हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए। आज की वीडियो में हम थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, होम, ऑल कोर्सेज, माय कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगी वो आपके माय कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए, क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे, एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात, इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम के भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आप इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वहीं हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास10 यूज़ करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने इंडिया में अभी मैन्युफैक्चर किया पहला ऑफ इंडिजीनियस 19 सीटर डॉर्नियर डू 22 एयरक्राफ्ट? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, याद रखना ये पहला टाइम है, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सिविल वर्जन ऑफ किसी एयरक्राफ्ट का एंटायरली इंडिया में बनाया गया। ठीक है, पूरा ही इसको इंडिया में डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे कि कहाँ और कहाँ के बीच में इसकी जो फ्लाइट होगी वो होगी। ठीक है, ये जो फ्लाइट होगी ना इस एयरक्राफ्ट की, ऑपरेशनल होगी बिटवीन डिब्रूगढ़ का आपका असम में, टू पासीघाट। पासीघाट का है अरुणाचल प्रदेश में। तो डिब्रूगढ़ से पासीघाट के बीच में इस फ्लाइट को ऑपरेशनल रहेगा यूजिंग द एयरक्राफ्ट, जो कि 19 सीटर एयरक्राफ्ट है डॉर्नियर डू 22 एयरक्राफ्ट, और ये एंटायरली बिल्ट इन इंडिया रहेगा। किस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ने अलॉन्ग विद एक्सट्रीम आईएक्स हो गया इंटरनेक्स एक्सचेंज, इन्होंने कोलैब किया किस कंपनी के साथ टू प्रोवाइड फास्टर डिजिटल पेमेंट सर्विस? वो रहेगी आपकी फोन पे। फोन पे ने किसके साथ टाइप किया, एक्सट्रीम इंटरनेट एक्सचेंज के साथ टू प्रोवाइड फास्टर डिजिटल पेमेंट सर्विसेज। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि फोन पे के द्वारा किया गया। ऑल्सो इस पार्टनरशिप ने फोन पे को पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया है टू पार्टिसिपेट इन एन इंटरनेट एक्सचेंज इन इंडिया। ठीक है, इसी के साथ साथ जरा बताओ 108 फीट का हनुमान जी का, लॉर्ड हनुमान का स्टैचू अभी रिसेंटली अनवेल किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, कहां पर? यह बनेगा गुजरात में, और गुजरात में भी कहां पे? मोरबी में। ठीक है, इसी के साथ साथ एक प्रोग्राम है NDAP, नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। ये जो प्रोग्राम है डाटा, नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं पुडुचेरी का, पुडुचेरीज फर्स्ट एवर बीच फेस्टिवल, फर्स्ट एवर
बीच फेस्टिवल कौन सा है, क्या नाम रहेगा, आई सी पौंडी। ठीक है, पूछा जा सकता है कि पहला बीच फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया गया था पौंडीचेरी में, तो 2022 में, क्या नाम रहेगा, आई सी पौंडी उसका नाम रहेगा। ठीक है, फिर अगर हम इंडिया में एक्सट्रीम पावर्टी की बात करें, तो याद रखना इंडिया में जो एक्सट्रीम पावर्टी है ना, इट हैज़ बिन डिक्लाइंड बाई 12.3% ड्यूरिंग 2011 से 2019 के बीच में। ठीक है, 12.3% से डिक्लाइन कर गई है। इसी के साथ साथ फिर याद रखना BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख कनेक्ट करने के लिए वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल डेवलप की है। ठीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल डेवलप की है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करेगी लद्दाख को। ठीक है, अब पूछ रहा आपको, मुझे ये बताओ ये किस पास पे बनाई जाएगी, तो ये शिंकुला पास पे डेवलप की जाएगी, शिंकुला पास। वैसे एक चीज देखो, जो ला का मीनिंग होता है ना वो पास ही होता है, तो याद रखो शिंकुला या शिंकु पास, वैसे कह देते हैं शिंकुला पास लेकिन ला का मीनिंग ही आपका पास होता है। ऑल राइट, नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसको हम ई नाम के नाम से भी जानते हैं, ये लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब, तो याद रखना ये आपकी 14 अप्रैल 2016 को ई नाम लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्योंकि ये तब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 2016। तो अभी 14 अप्रैल 2022 को हमने 6th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की ई नाम की। नेक्स्ट, रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू, ये दोनों, जैसे बिहू सबसे पहले कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ का है, बिहू, ये आपका असम का हमें पता है बिहू फेस्टिवल। फिर अगर पूछे रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू, तो याद रखना ये असम का ही रहेगा। इसी के साथ साथ ये जो है आपका सेकेंड वीक ऑफ फरवरी तब ऑब्जर्व किया, और सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर। रीजन बीइंग, यहाँ से आपका जो हार्वेस्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है, बिगनिंग ऑफ हार्वेस्ट पीरियड। ठीक है, इट इज़ द बिगनिंग ऑफ हार्वेस्ट पीरियड, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में इसको ऑब्जर्व किया जाता है बिहू को, बिहू बोहाग बिहू कह लो या रोंगाली बिहू को। ठीक है, असम में। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं, ज़रा बताओ इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट अभी सेटअप किया गया कहां पर और किसके द्वारा, ये जोरहाट में सेटअप किया गया जो कि असम में है, एंड किसके द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको सेटअप किया गया, इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। नेक्स्ट, ये पूछा जा रहा है जो डायमंड क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क है इंडिया का, इंडियन रेलवे का, किस किस सिटीज को कनेक्ट करता है, मैं हिंट दे देता हूं, अब समझ लो ये इंडिया है हमारा। ठीक है, ये गुजरात हो गया, ये हो गया, यहाँ से आपको आइडिया लग जाना चाहिए। अब दिल्ली, ये क्या हो गया, मुंबई, यहाँ पर मुंबई है आपका, ये थोड़ा गुजरात साइड में बन गया, बट स्टिल। फिर यहाँ पर आ जाता है आपका नीचे क्या, चेन्नई, और यहाँ पर क्या है आपका, कोलकाता। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चाइना, आपका ये इंडियन रेलवे कनेक्ट करती है विद सिटीज इन द डायमंड क्वाड्रिलेटरल। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो इंडिया में जो सेम चीज़ आई, जो पावर्टी है वो डिक्रीज कर गई है कितनी परसेंट से, ये बताइए 2011 से लेके 2019 के बीच में। रिसर्च पेपर आया था, वर्ल्ड बैंक ने निकाला था, उन्होंने बताया कि जो इंडिया में पावर्टी है ना 12.3% से एक्सट्रीम पावर्टी डिक्रीज कर गई है 2011 से 2019 के बीच में। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, वॉशिंगटन DC में, और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में। इसके बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जरा बताओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहां पे सेटअप किया जा रहा है और कौन सेटअप कर रहा है, WHO सेटअप कर रहा है, और कहां पे, जामनगर में, ये कहां पर है, गुजरात में। ठीक है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। फिर इसके बाद बताओ 20th एडिशन ऑफ इंडिया और फ्रांस की जॉइंट स्टाफ टॉक्स हुई थी कहां पर, पेरिस में। इसी के साथ साथ 40th एडिशन ऑफ US और इंडिया का
2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? वॉशिंगटन डीसी में हुआ था, ये भी याद रखना। फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो ग्लोबल ग्रोथ है ना, उसको फोरकास्ट किया गया अभी रिसेंटली। पहले इन्होंने बोला जो ग्लोबल ग्रोथ होगी, पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ होगी, वो 4.1% पे होगी फॉर द फिस्कल ईयर 2022। लेकिन इन्होंने अब इसको फॉरकास्ट को स्लैश करके कम कर दिया है, 3.2% कर दिया है। रीजन बीइंग जो वॉर चल रही है, ठीक है, यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है। और एक चीज़ और यूक्रेन से याद रखो, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा क्या था? इंडियंस को जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए, अपने होमलैंड में वापस, मदर लैंड पे वापस लाने के लिए जो मिशन स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने रिसेंटली या विच कंपनी रिसेंटली बिकेम वो इंडिया का फर्स्ट फिनटेक लेड एनबीएफसी फैक्टर टू रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्टर्स रेगुलेशन 2022। तो वो कौन सी कंपनी है? 121 फाइनेंस वो कंपनी है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड नेम नियो कार्ड, ठीक है, नियो कंपनी के साथ मिलके। तो याद रखना, मास्टर कार्ड अलोंग विथ डाई पॉकेट, इन दोनों ने टाइप किया नेक्सो कंपनी के साथ मिलके टू लॉन्च अ क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड जिसका नाम है नेक्सो कार्ड, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 5। विच बैंक रिसेंटली वन द ग्लोबल सिलेंट मॉडल बैंक अवार्ड अंडर द पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी, बताइए। आई रिपीट, वो कौन सा बैंक है जिसने अभी क्लाइंट मॉडल बैंक अवार्ड जीता अंडर द पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी? वो है इंडसइंड बैंक, ठीक है। सिलेंट की बात करें तो ये एक लीडिंग रिसर्चर एडवाइजरी फर्म है ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इन्हीं के द्वारा सीलेंट मॉडल बैंक अवार्ड से सम्मानित किया गया इंडसइंड बैंक को फॉर बेस्ट इन क्लास एंटरप्राइज पेमेंट हब अंडर द पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी। पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी के अंडर इंडसइंड बैंक को सम्मानित किया गया, ठीक है। सीलेंट के द्वारा ये जो अवार्ड है, सीलेंट मॉडल बैंक अवार्ड, दिया जाता है इन द लीडिंग रिसर्च एंड एडवाइजरी फर्म, जो कि फोकस जिनका बेसिकली रहता है टेक्नोलॉजी को बेटरमेंट करते रहना, कुछ ना कुछ नया इन्वेस्ट, न्यू रिसर्च लाते रहना फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली। नेक्स्ट, ACC के द्वारा अभी अप्रूव की गया एक्सटेंशन ऑफ द सर्विस ऑफ कमलेश नीलकंत व्यास, जो कि चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। कब तक इनके टर्म पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है? May 2023 तक इनके टर्म को एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट की 2022 की, इनमें टॉप करने वाले कौन बने? साइरस एस पूनेवाला इसमें टॉप करने वाले, इस लिस्ट में टॉप करने वाले व्यक्ति बने। ऑलराइट, नेक्स्ट, उस मिशन का नेम बताओ जो कि लॉन्च किया गया स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के द्वारा फॉर द US नेशनल रिकनसेंस ऑफिस। डायरेक्ट याद रखना ये मिशन, ये है NROL-85 मिशन। अभी एलन मस्क के द्वारा जो न्यूज़ आई है रिसेंट, ये है इन्होंने ट्विटर को जो बिड दी थी टू बाय ट्विटर, वो एक्सेप्ट कर लिया ट्विटर के द्वारा। अब जो नए ऑनर बन जाएंगे ट्विटर के, वो है एलन मस्क। नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु वन द 48th ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट इन स्पेन। किनके द्वारा जीता गया? कौन से वो ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने 48th एडिशन ऑफ ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता, जो कि स्पेन में हुआ था? जरा बताइए ना, कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो ग्रैंड मास्टर? वो है डोमा राजू गुकेश, ठीक है। फिर इसी में, इसी इवेंट में जो थर्ड आए वो है आर प्रगनंदा। आर प्रगनंदा कौन है? ये वो थर्ड इंडियन एंड यंगेस्ट इंडियन या यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने डिफीट किया था मैग्नस कार्लसन को, जो कि वर्ल्ड के नंबर वन चेस प्लेयर हैं ड्यूरिंग द एयर थिंग्स मास्टर्स। और एयर थिंग्स मास्टर को जीतने वाले व्यक्ति कौन बने थे? वो थे मैग्नस कार्लसन। व्हाट इज द मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स रिक्वायर्ड बाय NBFCs फॉर रजिस्ट्रेशन विद RBI? मिनिमम रिक्वायर्ड ओन फंड्स कितना है? वो है आपका 5 करोड़ रुपए का मिनिमम, ठीक है। हाउ मच? 5 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं अभी रिसेंटली इंडिया ने कितना एडिशनल अमाउंट दिया है अभी टू फ्यूल एड टू श्रीलंका, तो $500 मिलियन का एडिशनल फ्यूल एड प्रोवाइड किया गया टू श्रीलंका बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 29th
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? मनोज, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे आपके 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं, कमला हैरिस आप सब जानते हैं ये कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, डिफेंस एडवाइजर टू कमला हैरिस कौन बनी? डिफेंस एडवाइजर टू कमला हैरिस कौन बनी? वो है शांति सेठी। ठीक है, डिजिट इंश्योरेंस की, डिजिट इंश्योरेंस की एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट की गई? वो है जसलीन कोहली को नया डिजिट इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट करा गया। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली 7 एमओयू साइन किए फॉर अ प्रोजेक्ट अंडर इंडियन ग्रांट असिस्टेंस स्कीम टू इंप्लीमेंट हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? किस कंट्री के द्वारा 7 एमओयू साइन किए गए बताइए जरा, अच्छा क्वेश्चन है। 7 एमओयू वो है आपका मालदीव। ठीक है, अभी रिसेंटली हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनको हम एस जयशंकर के नाम से जानते हैं, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, इन्होंने अभी विजिट किया था मालदीव को मार्च के मंथ में, वहां पर ये 7 एमओयू साइन किए गए हैं मालदीव में। पहली कंट्री जहां पे इंडिया का यूपीआई सिस्टम डिप्लॉय किया जाएगा वो कौन सा है? नेपाल। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने मैन्युफैक्चर किया MK3? ये क्या है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3। ठीक है, अभी रिसेंटली क्वेश्चन में न्यूज में थे, ये आपको बताना है किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3। इसके साथ ही साथ ये भी न्यूज़ याद रखना, इंडियन कोस्ट गार्ड को ये रिसेंटली कमीशन किया गया है पहला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3। और कहाँ पे कमीशन किया जाएगा? ओडिशा में, भुवनेश्वर ओडिशा में इसको कमीशन किया जाएगा। किसके द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं ये भी हॉल के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इनको डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली 500 मिलियन यूएस डॉलर रेज किए थ्रू IFSC गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं IFSC जिफ्ट से, किस ब्रांच ने, इसकी किस ब्रांच, बैंक की ब्रांच ने अभी 500 मिलियन यूएस डॉलर को रेज करे? वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, पहला स्टील स्लैग रॉड वो भी कहां पर होगा? गुजरात में। गुजरात में कहां पे? सूरत में, जामनगर में। जामनगर में आपका पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन डेवलप किया जा रहा है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया हु टॉप्ड ह्यूरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 की एंड बिकेम द रिचेस्ट बिलियनियर इन द हेल्थ केयर सेक्टर ऑफ 2022। वो है साइरस एस पूनेवाला। ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किया था, इनकी जो नेट वैल्यू है ना वो है 26 बिलियन यूएस डॉलर की, एंड जो ग्रोथ देखने को मिली है जिसकी वजह से ये रिचेस्ट बने अभी है वो है 41% अप रही इनकी वैल्यू। नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बताइए कौन थे? अभी हमने देखा वो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, इनका पूरा नाम है मनोज चंद्रशेखर पांडे। ये रिप्लेस किसको करेंगे अगर पूछा जाए? 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? वो थे जनरल मनोज मुकुंद नरवाने सर। ठीक है, फिर अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें मुझे बता दो कमांडर इन चीफ कौन है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमांडर इन चीफ कौन है बताइए? वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अभी प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद सर। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट? आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर कौन है जिनको रीअपॉइंट किया गया? वो है पैट्रिक एची। ठीक है, इनको रीअपॉइंट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन बने? भगवंत सिंह मान। गोवा के प्रमोद सावंत, और यूपी के कौन है? योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड 108 फीट स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान? अभी हमने सबसे पहले यही देखा था, कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पर? मोरबी में। 108 फीट लंबा हनुमान जी का स्टैचू कहाँ पे इनॉग्रेट किया जाएगा? गुजरात में। ठीक है, स्लीपिंग लॉर्ड बुद्धा ये कहाँ पे इनका स्टैचू इनॉग्रेट किया गया? ये है बोध गया में।
ठीक है, बोध गया में इनका ये स्टैचू बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रा बताओ अभी रिसेंटली एक आयरन बीम, ये एक न्यू लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, किस कंट्री के द्वारा बनाया गया? इज़राइल के द्वारा। एक और था लेज़र से सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करना स्पेस में, ये किसके द्वारा बनाया गया सिस्टम? चाइना के द्वारा बनाया गया। ठीक है, चाइना ने ही ईस्ट जो टेम्परेचर अटेन किया था मोर देन द टेम्परेचर ऑफ सन, फिर आर्टिफिशियल मून जहाँ पे ये वर्क करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, स्टडी करेंगे, किस पर? ग्रेविटी पे। चाइना ने ही पहला इलेक्ट्रिक क्रूज शिप लॉन्च किया। ठीक है, पहला इलेक्ट्रिक क्रूज शिप, ये भी चाइना का है आपका। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी डेज मंथ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज? जो भी लोग COVID-19 से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, बी इट हेल्थ वर्कर्स और उससे रिलेटेड जो भी वर्कर्स थे COVID-19 से रिलेटेड पेशेंट्स में संपर्क में आ रहे थे, उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम स्टार्ट की गई थी कि 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा इन लोगों को। इस स्कीम को अब एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक? 180 दिन के लिए स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का पहला फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम, इंडिया का पहला पोर्टेबल रूफटॉप सिस्टम इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पर? एट द स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स में इसको इनॉग्रेट किया गया। लेकिन ये कहाँ पर है ये आपका बताइए, इंपॉर्टेंट, हम डिस्कस कर चुके हैं, गांधीनगर गुजरात में। वेरी गुड, इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में, और उसमें कहाँ पर? स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, और अगर पूछूं मैं इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे सेटअप किया जा रहा है, ये असम में। नेक्स्ट, एट विच पास इन इंडिया, अभी हमने देखा किस पास पे इंडिया का वर्ल्ड हाईएस्ट टनल को बनाया गया, कहां पे बनाया गया, किस पास पे बनाया गया, किस किस को कनेक्ट कर रहा है और किसके द्वारा बनाया गया? तो याद रखो बीआरओ के द्वारा बनाया गया, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कनेक्ट करेगा। ठीक है, और ये कहां पर बनाया गया, किस पास पर? शिंकुला पास पर इसको बनाया गया। ठीक है, याद रखना कहां पर? शिंकुला पास पर इसको बनाया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, इन्होंने जो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट थी फॉर द फिस्कल ईयर 23 पहले थी 9%, लेकिन अब उसको कम कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, क्योंकि हम जानते हैं वॉर रीजन इसका दिया जा रहा है। तो क्या, कितने परसेंट रिड्यूस कर दिया गया, क्या परसेंट दी गई है? अब 8.2% GDP ग्रोथ रेट फॉरकास्ट किया है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने इंडिया के लिए। नेक्स्ट, अलर्ट्स की बात करें, ये अलर्ट्स क्या है? सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अलर्ट्स है आपका एडवाइजरी कमिटी फॉर लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। ठीक है, आई रिपीट, एडवाइजरी कमिटी फॉर लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, ये अलर्ट है। ठीक है, सेबी के द्वारा अभी रिसेंटली एक 7 मेंबर की एडवाइजरी कमिटी फॉर लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, मतलब 7 मेंबर का अलर्ट ये कमिटी डेवलप की गई थी। पूछा जा रहा है किसके द्वारा, तो सेबी आंसर होगा, बनाई गई थी, और पूछा जाए कि कौन इसको हेड करेगा, वो बताया, वो है आपकी सुनील वाजपेयी। ठीक है, मदाबी पूरी बकियो कौन थी, ये पहली फीमेल जो कि चेयरपर्सन बनी सेबी की। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, HDFC लिमिटेड ने साइन किया एक एग्रीमेंट टू सेल 10% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ HDFC कैपिटल टू अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो 10%, पहला IIT आउटसाइड इंडिया UAE में, UAE आपका ग्रे लिस्ट में डाला गया है FATF की। ठीक है, FATF की ग्रे लिस्ट में UAE डाला गया। FATF के नए प्रेसिडेंट कौन बने? टी राजा कुमार, और ये पहले टी राजा कुमार पहले सिंगापुरियन है जिनको अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ FATF, या जो हेड करेंगे FATF को। नेक्स्ट, फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आपकी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया? तो ये पूछा जा रहा आपसे। पहली चीज, ब्रह्मोस ये जो आपका है इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है,
ठीक है, पहला कंट्री जो इंडिया से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को परचेज करेगा वो है फिलीपींस। इसकी ब्रह्मो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की स्पीड है 2.7 मैक। एक मैक जो होता है वो इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड होता है, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है किस नेवल शिप के द्वारा इसको किस एयरक्राफ्ट से इसको टेस्ट फायर किया गया था, वो है सुकोई 30 MKI से आपकी ब्रह्मो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो छठा स्कॉर्पियन सबमरीन कौन सी है ऑफ द प्रोजेक्ट 75 जिसको अभी लॉन्च किया गया मुंबई महाराष्ट्र में, वो है आपका INS इंडियन नेवल शिप वसीर। वसीर ये आपका 6th स्कॉर्पियन सबमरीन है ऑफ प्रोजेक्ट 75। इसी के साथ साथ आपको याद रखना जो हम ये 6 स्कॉर्पियन है ना, तो इसके अलावा जो 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन है जैसे INS कालावारी, INS खंडारी, INS करंच, INS वेला, INS वगीर एंड INS वक्सीर, ये 6 आपकी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। INS वक्सीर की बात करें तो इसको कमीशन किया गया था दिसंबर 1974 में एंड लेटर डीकमीशन कर दिया गया था अप्रैल 1997 में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, बिलिटी इलेक्ट्रिक इसने रिसेंटली अभी अनाउंस किया टू प्लान टू सेटअप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 3-व्हीलर का इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। आई रिपीट, 3-व्हीलर का इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। ये किसके द्वारा बिल्ड किया जाएगा, पहली बात बिलिटी इलेक्ट्रिक के द्वारा। कहाँ पे बनाया जाएगा आपसे ये पूछा जा रहा है, लोकेशन वो है आपकी तेलंगाना में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट 3-व्हीलर इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करा जाएगा। इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगी अराउंड $150 मिलियन में ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इंडिया का पहला एवर रेडियो चैनल जो कि स्पेसिफिकली विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रेडियो अक्ष, ये अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। किस स्टेट में लॉन्च किया गया, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ही याद रखना, इन्होंने पर्सनल लोन्स की स्कीम लॉन्च की थी स्पेसिफिकली फॉर प्रिजनर्स के लिए पर्सनल लोन प्रोवाइड करने की बात महाराष्ट्र ने की। इन्होंने रेडियो अक्ष लॉन्च किया जो कि पहला रेडियो चैनल है विजुअली एम्पेयर्ड लोगों के लिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला प्योर हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का किस स्टेट में लॉन्च किया, अभी हमने देखा था असम जोरहट में इसको लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट, डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंस्टॉल एन एल रूट सर्वर टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड इंटरनेट एक्सेस। कहाँ पे ये, राजस्थान में हमने देख चुके हैं एल रूट सर्वर टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड इंटरनेट एक्सेस, कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, ये राजस्थान में। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज फॉर लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लोकलाइजेशन के लिए कि लोकल लेवल पे इस पे वर्क किया जा सके, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किसके साथ टाइप किया, वो किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर होता है इसका। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, नैरोबी कीनिया में होता है। वर्ल्ड बैंक का कहाँ पर है, आपका Washington DC में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस बैंक ने रिसेंटली टाइप किया CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ, ताकि डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट किया जा सके। कौन सा बैंक रहेगा वो आपका, वो है आपका धनलक्ष्मी बैंक, वो है आपका धनलक्ष्मी बैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे किस पेमेंट बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया एक फिनक्यूलेशन प्लेटफॉर्म टू एंकरेज स्टार्टअप्स टू डेवलप फाइनेंशियल प्रोजेक्ट। ये फिनक्यूलेशन क्या होता है, आपका फिनटेक को स्टार्टअप कल्चर से स्टार्टअप से टाइप कराने के लिए, ताकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे वर्क किया जा सके, उनके लिए आगे और टेक्नोलॉजी एज वेल एज प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जा सके, इसीलिए फिनक्यूलेशन प्लेटफॉर्म वो होता है आपका। फिनक्यूलेशन में जैसे फिनटेक आ गया तो फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्टार्टअप के साथ मिलके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के बाद कौन से पेमेंट बैंक ने की, वो है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ये बात करी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इनकी रिपोर्ट आई, इन्होंने पहले प्रोजेक्ट किया था इंडिया की GDP 8.7% के लिए, जो कि अब वापस कम कर दिया फॉर द फिस्कल ईयर 23
अब कर दी है कितनी 8.2%, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन टू। नेक्स्ट, उन पद्मा अवार्डी का नाम बताइए जिनको प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर चूज किया है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 3 इयर्स। 3 साल के लिए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनने वाले जा रहे हैं, कौन है ये? ये है अजय कुमार सूद, ए के सूद के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। 3 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया गया ये, और ये सक्सीड किसको करेंगे? बायोलॉजिस्ट के विजय राघवन जी को ये सक्सीड करेंगे, ठीक है, के विजय राघवन जी को। फिर इसी के साथ साथ इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2013 में फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, एशिया पैसिफिक कॉन्स्टोरियम ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 किन को अपॉइंट किया गया? बबीता सिंह को, याद रखना, ठीक है। एशिया अफ्रीका कॉन्स्टोरियम ग्लोबल पीस एम्बेसडर कौन बनी? बबीता सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आर हरि कुमार, जो अभी इनकी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई थी, इन्होंने पहला नेविगेशन चार्ट लॉन्च किया ड्यूरिंग हिज विजिट टू डैश, बताइए। तो याद रखना, हमारे जो नए अपॉइंट किए गए हैं आर हरि कुमार, जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, इन्होंने नेविगेशन चार्ट लॉन्च किया ड्यूरिंग हिज विजिट टू डैश। कहाँ पे लॉन्च किया इन्होंने? ड्यूरिंग हिज विजिट टू मालदीव्स, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। ड्यूरिंग हिज विजिट टू मालदीव्स इन्होंने इसको, हमारा नेविगेशन चार्ट है, इसको लॉन्च करा। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जरा बताओ, नेशनल सिविल सर्विस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और इस बार हमने 2022 में 15वां नेशनल सिविल सर्विस डे ऑब्जर्व करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली नेम्ड एज द रेसिपिटेंट ऑफ चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड? सबसे पहली बात, ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड एनवायरमेंट से रिलेटेड जो इम्पैक्टफुल काम करते हैं, बी इट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप, उनको सम्मानित किया जाता है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से, ठीक है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इस बार पूछा जा रहा है किन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो डेविड एटनबर्ग को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया बाय UNEP, ये चीज याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जरा आप बताइए, किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली रिसीव द जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड? जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से इस अवार्ड को सम्मानित किया जाता है फॉर प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी। किनको दिया गया? अभी हम जानते हैं यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो अपने देश को बचाने के लिए कंट्री में रह के लड़ाई कर रहे हैं रशियन से, तो इसी बहादुरी के लिए, इसी के लिए उनको सम्मानित किया गया अभी जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? ये हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद अगर जरा आपसे पूछूं मैं, 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप को जीतने वाली कौन सी टीम बनी? वो है हरियाणा। 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप को जीतने वाली कौन सी टीम बनी? हरियाणा की टीम बनी, ठीक है। फिर 16 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं सेव द एलिफेंट डे, ठीक है। 16 ही अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाता है आपका 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व करते हैं, और इसकी थीम रहेगी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे ऑब्जर्व किया जाता है। 20 अप्रैल को यूनाइटेड नेशंस चाइनीज लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है, और इसकी थीम रहेगी कोलैबोरेशन। 21 अप्रैल को ही याद रखना हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे, अभी हमने ऊपर देखा था। फिर 22 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड अर्थ डे, ये भी इंपॉर्टेंट आपका, वर्ल्ड अर्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। सरहुल फेस्टिवल कब और कहाँ ऑब्जर्व करते हैं हम? झारखंड में ऑब्जर्व करते हैं सरहुल फेस्टिवल, ठीक है। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कितना टाइम कंप्लीट हो गया है? 7 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं पूरे, ठीक है। 1064 एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन, ये किन के द्वारा लॉन्च की गई, कौन सी स्टेट के द्वारा? 1064 एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन उत्तराखंड के द्वारा इसको लॉन्च करा गया, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं, अभी एक इंडेक्स आया था स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स,
स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ये रिलीज किया गया था नीति आयोग के द्वारा। एंड इसमें जिस स्टेट ने टॉप किया वो है आपकी गुजरात, ठीक है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इसका राउंड वन था। इसमें लॉन्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग और टॉप करने वाली गुजरात रही। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं, अभी रिसेंटली कंगड़ा टी को GI टैग मिला था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है, यूरोपियन कमीशन से। ज़रा बताओ ये कंगड़ा टी किस स्टेट की है? ये हिमाचल प्रदेश की है। ऑल राइट, कहाँ की है ये? हिमाचल प्रदेश की रहेगी। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं आपसे UPSC के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं, वो हैं मनोज सोनी। मनोज सोनी नए चेयरपर्सन बने हैं UPSC के। इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन ज़रा पूछा जाए, बताओ सियाचिन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 13 अप्रैल को हम सियाचिन डे ऑब्जर्व करते हैं, और 13 अप्रैल को ही हम ऑब्जर्व करते हैं जलियांवाला बाग मैसेकेयर डे, इम्पॉर्टेंट याद रखना। फिर 14 अप्रैल को बी आर अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और 14 अप्रैल को ही याद रखना तमिलनाडु के द्वारा इक्वेलिटी डे भी ऑब्जर्व किया गया, इम्पॉर्टेंट है ये। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर में लाते रहें एंड बेटर आपकी रिविजन्स कराते रहें और अच्छा कंटेंट लाते रहें, तो आपको कमेंट करके भी नीचे ज़रूर बताना है, बिकॉज आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है। इसी के साथ साथ नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस एंड वेब पोर्टल्स, ऑब्यूट्री, इंपॉर्टेंट इज, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसके आगे बाय विकास राणा लिखिए, आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कीजिए। जैसे मान लो स्पोर्ट्स बाय विकास राणा या करंट अफेयर्स बाय विकास राणा लिख के आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए एंड आपको हमारा सारा कंटेंट मिल जाएगा, जो प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इन टॉपिक्स के अलावा मैं आपके लिए मंथली वीडियोज़ भी लाता हूँ और वीकली वीडियोज़ भी लाता हूँ। वीकली आपकी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी और वीकली से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी मंथली वीडियोज़, जो पूरे महीने की रिविजन करा देती हैं। तो अगर आप चाहते हैं सारा कंटेंट देखिए हमारा, मैं तो आपको बोलूँगा पहले टॉपिक वाइज डेली बेसिस पे जो हम आते हैं वो भी देखते रहिए, जब वीकली वीडियोज़ आए उसको सेव कीजिए एंड बार बार वीकली वीडियोज़ को देखिए। एंड मंथली वीडियो जब आती है वो आपकी एक रिवीजन वीडियो हो जाती है, जिसमें हम पूरा महीने का कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी gmail ID जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिसॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।